अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन विद द न्यू रेसिपी। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं तवा, तंदूरी तवा कीमा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बॉल दही ले लिए, दही को अच्छी तरह फेंट लिए और इसमें अब मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च कुटी हुई है, 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको हम मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे। मेरे पास 1/2 kg कीमा है, कीमे को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके तो आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद रेसिपी को आगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक तवा जो है गरम करने के लिए रख दिया है। तो अब 2 लार्ज साइज़ के टमाटो जो हैं हम इस पे रखते हैं, ठीक है जी। पानी शामिल करते हैं थोड़ा सा और इसको कवर करके रख देते हैं ताकि स्टीम से इसके जो है टमाटर के कवर स्किन जो है रिमूव करनी इजी हो जाए। तो चलिए इसके लिए। अच्छा जी, अब जो है इसकी टमाटो की स्किन रिमूव कर देते हैं, ठीक है जी। ऐसे थोड़ा इसको प्रेस करेंगे तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो के तो सारी इसकी स्किन निकल जाएगी, ठीक है जी। तो ऐसे इसकी स्किन रिमूव कर देते हैं। तो स्किन रिमूव हो गई है, मैंने मीडियम फ्लेम इस वक्त रखा हुआ है। तो जो है जी, अब हम इसको टमाटो को इसी तवे पे ही मैश कर लेंगे जिसका पानी ड्राई हो जाए टमाटर्स का, टमाटो का पानी ड्राई होना चाहिए जी। तो ऑयल शामिल कर देते हैं टमाटो को थोड़ा साइड पे करके, तो 1/2 कप जो है मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। अब इसको भून लेते हैं, टमाटर की जो पेस्ट है इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं, इसमें फ्राई कर लेते हैं ऑयल में और साथ ही स्पाइसेस भी डाल देते हैं। अच्छा जी, स्पाइसेस मैं आपको बताती चलूँ। नमक लिया है इस पर ज़रूरत, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जो है मैंने सूखा धनिया लिया है, गरम मसाला लिया 1/2 टीस्पून और हल्दी लिए 1/4 टीस्पून। बस ये घर में जो रेगुलर हमारे मसाले हैं ये सारे वही हैं। थोड़ा सा इसमें जो है पानी शामिल करते हैं ताकि मसालों का कलर चेंज नहीं हो और इसको मसाले को भून लेते हैं। अब हम इसमें जो है कीमा हमने मैरिनेट किया हुआ था वो शामिल करते हैं और फ्लेम जो है वो अभी हमने स्लो नहीं करनी है, ठीक है जी। कीमा डाल देते हैं सारा। इसको 5 से 7 मिनट के लिए जो है हमने कीमे को मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमने जो है कुक करना है, बल्कि 8 मिनट भी लग जाएंगे हो सकता है। तो बस यही आपने 7-8 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है कीमे को यहाँ पे मसाले के साथ। तो चले हम इसको जो है 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिएगा, इसको 7-8 मिनट हो गए हैं, 7-8 मिनट कीमे ने पानी छोड़ा है, तो उसी जो पानी में कीमा जो है वो गल भी गया, ठीक है। इसमें कच्चापन ख़त्म हो गया, ऑयल छोड़ दिया इसमें। अब हमने इसको दोबारा से कवर करके, अब पहले हमने बगैर कवर किए इसको पकाया, अब हमने इसको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है। और दूसरी साइड पे मैंने एक कोयला जो है वो बर्न करने के लिए रख दिया है, तो अब इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है जी। ये मैं कवर कर रही हूँ, तो 7-8 मिनट का वेट करते हैं।
जी इसको 7-8 मिनट हो गए हैं। थोड़ इसमें जो है मैंने 2 लेमन लेके, बड़े लेमन लेके तो उसका जूस निकाल लिया था, वो शामिल करते हैं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट डिश हमारी रेडी है, बस हमने इसको अब जो है स्मोक देनी है और उसके लिए भी जो है कोयला बर्न हो चुका है। ठीक है जी, अब हम जो है एल्युमिनियम फॉयल है आपके पास वो ले लें या घर में कोई भी चीज़ है। यहाँ मैं प्याज ले रही हूँ, प्याज का छिलका मोटे वाला जो पार्ट होता है। ठीक है जी, ये वो है। और जो है इसके बाद जो है हमने इस पे रखना है कोयला, और साथ में जो है हमने विंग्स काट के प्याज के ये सारे रख देने हैं। गोल सही से प्याज मिला ही नहीं, लेकिन खैर चलेगा सब कुछ। ठीक है, जितने भी रिंग्स हैं वो हमने रख देने हैं इधर। इसमें भी स्मोक चली जाएगी ना तो अनियन का टेस्ट जो है ना वो बड़े मज़े का हो जाएगा। रखते हैं कोयला सेंटर और इसको कवर कर। इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह कवर करके छोड़ देते। हाँ जी जी, कोयले का जो है स्मोक इसमें चली गई है, कोयला निकाल देते हैं और ये अनियन जो हमने रखा था ये भी निकाल देते हैं। अनियन पे रखने का एक और फ़ायदा होता है कि अनियन से जो है इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा चला जाता है डिश में। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए और लेमन। डिश रेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सैम्स किचन से ज़्यादा चाहती हूँ। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फीडबैक दीजिएगा और अगर अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।